तो गाइस इंटरस्टेलर मूवी के ये चार कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो पूरी मूवी समझ में आ जाएगी। तो गाइस पहला है द टाइम डायलेशन। तो गाइस जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होता है उसके लिए टाइम धीरे हो जाता है। आइंस्टीन अपनी थ्योरी में बताते हैं कि ग्रेविटी एक एक्सेलरेशन है ना कि पुल, जिसका मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड वाली जगह में जाता है, जैसे कि कोई प्लेनेट एक ब्लैक होल के पास, तो समय वहां बहुत धीरे हो जाता है। इसलिए जब मूवी में एस्ट्रोनॉट्स वापस आते हैं तो उनकी उम्र उनके बच्चों की उम्र से कम होती है बिकॉज ऑफ टाइम डायलेशन। तो गाइस इसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट है द वर्म होल का कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों वर्म होल एक ऐसा हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू आप यूनिवर्स में एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही कम समय में पहुंच सकते हैं। न केवल एक जगह से दूसरी जगह बल्कि आप एक यूनिवर्स से भी दूसरे यूनिवर्स में बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। तो गाइस वर्म होल स्पेस टाइम को बेंड करके किसी भी दो पॉइंट्स ए और बी को कनेक्ट करते हैं, जिसके कारण ये हमें लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज ट्रेवल करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों बहुत आसान शब्दों में समझाऊं तो ये एक तरीके से एक टनल है जो कि स्पेस और टाइम को एक साथ जोड़ते हैं। तो गाइस बाकी के दो कॉन्सेप्ट को जानने के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट चेक करना बिल्कुल ना भूलें।